हेलो एवरीवन आई एम रिदिका और मैं आपको साइंस पढ़ा रही थी तो जो मेरा पहला वीडियो था वो था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी और उसमें हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जिसमें मैंने आपको बताया था टेक्जोनोमी के बारे में और हमने पढ़ा था लीनियन हायर की सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन तो आज मैं आपको बताऊँगी बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन सिस्टम जिसमें हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को किन किंगडम में डिवाइड किया गया था तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज टू किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय कार्ल्स लीनियस तो कार्ल्स लीनियस आई होप आपको याद होगा जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनोमी तो इसके अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया गया था दैट इज़ किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया तो ये सबसे इजी सिस्टम uh, था क्लासिफिकेशन का जिसमें कि जितने भी प्लांट स्पीशीज़ थे उनको कैटेगराइज़ किया गया था अंडर किंगडम प्लांटे और जितने भी एनिमल स्पीशीज़ थे उनको कैटेगराइज़ किया गया था अंडर किंगडम एनिमिलिया तो ऑल दो ये बहुत ही इजी सिस्टम था क्लासिफिकेशन का पर इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी तो वो क्या थी कि बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो ना ही किंगडम प्लांटी में फॉल कर रहे थे और ना ही किंगडम एनिमिलिया में फॉल कर रहे थे तो उन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए देयर आर कम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच वाज गिवन बाय कोपलैंड एंड अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इन फोर किंगडम्स दैट इज़ किंगडम मोनेरा जिसमें उन्होंने रखा था बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलगी को नेक्स्ट इज़ किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें रखा गया था रेड एंड ब्राउन एलगी को फंजाई को और प्रोटोजोन्स को एंड द थर्ड किंगडम इज किंगडम प्लांटे जिसमें कि अगेन सारी प्लांट स्पीशीज को रखा गया था एंड द फोर्थ फन इज किंगडम एनिमेलिया, जिसमें कि सारी एनिमल्स को रखा गया तो द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय रॉबर्ट फिटैकर and according to this system of classification living organisms are again divided into five kingdoms that is kingdom monera kingdom protista kingdom fungi kingdom planti and kingdom animalia तो डिफरेंस क्या था फ़ोर किंगडम क्लासिफिकेशन और फ़ाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कि इसमें जो फनजाए थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था इन केस ऑफ फ़ोर किंगडम क्लासिफिकेशन वेर एज फ़ाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई को एज ए सेपरेट किंगडम रखा गया था तो अब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को इन फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया गया पर वो डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स तो वो करैक्ट्रिस्टिक्स क्या थे वो मैं आपको बताऊंगी तो उसमें पहला है सेल टाइप सेल टाइप से मतलब क्या हुआ कि किस तरीके के सेल्स उनमें प्रेजेंट हैं तो दो टाइप के सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स तो अब जैसे हमारा सेल होता है उसमें होता है न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है हमारा जैसे कि डीएनए आरएनए इन केस ऑफ वायरसेस तो प्रोकरस और यूकेॉट में डिफरेंस क्या है देर इज़ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट इन केस ऑफ प्रोकेरेट्स वेयर एज देर इज़ प्रॉपरली मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यू तो आई होप आपको प्रोकर सेल और यूकेॉटिक सेल में समझ आया होगा डिफरेंस तो प्रोकरोटिक्स ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था इन किंगडम मोनेरा एज बाकी जितने भी किंगडम थे उन सब में रखा गया था यूकेरटिक ऑर्गेनिजम्स को तो ये पहला फीचर था नेक्स्ट इज़ सेल वॉल तो अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो, no, uh, तो एनिमल्स के केस में देर इज़ नो सेल वॉल तो एनिमल्स के केस में सेल वॉल एब्सेंट होता है एज अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो किसका बना होता है सेलुलोज़ का तो ये आपको याद रखना है कि एनिमल्स के केस में देर इज़ नो सेल वॉल वीरज प्लांट्स के केस में वॉल प्रेजेंट होता है और वो किसका बना होता है सेलुलोज से वीरेज अगर मैं फंजाई की बात करूँ किंगडम uh, फंजाई की बात करूँ तो उसमें वॉल प्रेजेंट होता है और वो किसका बना होता है सेलुलोज का सॉरी और वो सेलुलोज का नहीं बना होता है वो बना होता है काइटिन का तो काइटिन भी uh, एक कंप्लेक्स शुगर है तो फंजाई के केस में सेल वॉल बना होता है काइटिन का तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट इस किंगडम प्रोटिस्टा तो प्रोटिस्टा के केस में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और कुछ में सेल वॉल एब्सेंट भी होता है तो कुछ में अ, सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन का लेयर प्रेजेंट होता है वेरेज अगर हम किंगडम मोनरा की बात करें तो उसमें वॉल प्रेजेंट होता है और वो किसका बना होता है पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड्स का तो द नेक्स्ट फीचर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एबसेंट इन केस ऑफ किंगडम मोनिरा वेरियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द रेस्ट ऑफ द किंगडम्स नेक्स्ट अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी की बात करूँ तो किंगडम मोनिरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर एंड ऑल्सो इन केस ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो किंगडम मोनिरा में यूनि सेलुलर प्रोकेरियोटिक आते हैं वेअर एज़ किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं तो ये एक मेजर डिफरेंस है किंगडम मनीरा और किंगडम प्रोटिस्टा में तो ये आपको याद रखना है कि बोथ किंगडम मनीरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट मोनीरा कंटेन यूनिसेलुलर प्रोकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड द किंगडम प्रोटिस्टा कंटेन यूनिसेलुलर यूकेोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर एज इन केस ऑफ फिनजाई द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज़ मल्टी सेलुलर मेरे एज़ अगर मैं प्लांट्स और एनिमल्स की बात करूँ तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अप टू द ऑर्गन लेवल मीन्स सेल्स वैन दे एग्रीगेट दे फॉर्म टिशू टिशूज इज दैन ऑर्गन ऑर्गन इज दैन ऑर्गन सिस्टम तो द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है ऑर्गेनिजम्स में तो अगर मैं किंगडम मुनिरा की बात करूँ तो इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हिटीरोट्रॉपिक तो ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मेक देयर फूड ऑन देयर ओन वेर एज इन केस ऑफ हिटीरो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड तो आई होप आपको ऑटोटॉपिक और हीरो समझ आया होगा तो अगर मैं किंगडम प्रोटिस्टा की बात करूँ तो इसमें भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज़ ऑटोटॉपिक एंड हिटिरोटॉपिक वेरियज फंजाई केस में द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज टोटली हिटीरोटॉपिक एंड प्लांट्स प्लाट्स केस में हमने हमने बचपन से ही सुना है कि प्लांट्स जो थे वो अपना खाना खुद बना सकते हैं तो इट मीन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोटॉपिक इन केस ऑफ प्लांट्स वेर इन केस ऑफ एनिमल्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हिटीरोटॉपिक नो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब वन बाई दैम वन बाय वन तो फर्स्ट इज किंगडम मोनिरा तो किंगडम ओनीरा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं तो इसमें आते हैं यूनिसेलुलर प्रोकरोटिक ऑर्गेनिजम्स उसके अलावा इसमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स जो अपने आप को एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सर्वाइव करके रख सकते हैं तो हैबिटेट क्या हो गया हैबिटेट वो जगह होती है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसका हम बोलते हैं है हैबिटेट तो पहले इसमें आते हैं आर बैक्टीरिया तो आर बैक्टीरिया क्या होते हैं दे आर द स्पेशल बैक्टीरिया दैट कैन लिव इन सम ऑफ द हार्शेस्ट हैबिटेट ये अपने आप को हार्शेस्ट हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं तो इसमें पहले आते हैं हेलोफाइल्स हेलोफाइल्स क्या होते हैं देट कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज ना द नेक्स्ट इज़ थर्मोसीडोफाइल्स तो थर्मोसिडोफाइल्स कौन से बैक्टीरिया होते हैं दैट कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स एंड द नेक्स्ट वन इज़ मिथैनोजन्स तो मिथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजन्स बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल र्यूमिनेंट एनिमल्स र्यूमिनेंट एनिमल्स जैसे कि हमारे काउज ब फ्लेज हो गए तो ये उनके गट में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ द र्यूमिनेंट एनिमल्स तो उनको हम क्या बोलते हैं नोजन तो द नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं एंड दे आर करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेलवॉल एंड इफ दे आर मोटाइल तो उनमें क्या प्रेजेंट होता है फ्लैजुल्लैजम क्या करता है उनकी लोको मोशन में हेल्प करता है मीन्स उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फोटो सिंथेटिक जैसे कि आपको वर्ड से पता चल रहा है तो इनमें क्या होगा फोटोसिंथेसिस तो ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं दे आर साइनोबैक्टीरिया और इनको ब्लू ग्रीन एलगी भी बोलते हैं तो इनमें क्या होता है इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जैसा कि ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होता है इसलिए इनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया आते हैं दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं और उसका एग्जाम्पल है नोस्टॉक एंड एन एनाबीना तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पॉइंट ऑफ व्यू से कि दे कैन फिक्स एटमोसफेरिक नाइट्रोजन नोस्टॉक एंड एनाबीना नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी अगेन आर ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया मीन्स दे कैन कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर फूड ऑन देयर ओन

तो ये भी आपको याद रखना है कि विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्ले प्ले रोल इन द रिसाइलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू दे आर द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो द नेक्स्ट इज हिटीरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हिटीरोट्रॉपिक बैक्टीरिया अगेन ये वैसे बैक्टीरिया होंगे दैट कैन दैट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड एंड दे आर द मोस्ट अपनडेंट इन नेचर ये मोस्ट अपनडेंट होते हैं नेचर में एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स और ये डिकम्पोजेस भी होते हैं इनमें से ऑफ मेजोरिटीज क्या हो गए दैट कैन ब्रेक डाउन द डेड एंड एंडेइंग ऑर्गेनिक मैटर उसके अलावा मेनी ऑफ देम अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स मीन्स जैसे कि दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स तो वी नो जैसे बैक्टीरिया होते हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर द कर्डलिंग ऑफ मिल्क एंड उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी रोल प्ले करते हैं ये तो हो गया बेनिफिशियल इफेक्ट उनके उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर पैथोजेंस मीन्स दे कैन कॉज डिजीज़ टू ह्यूमंस और टू एनिमल्स ऑल दो डिजीज़े पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको डिफरेंट वायरल डिजीजेज़ या डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ के बारे में बताऊँगी कि कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं कौन उनके कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं और उनके क्या ट्रीटमेंट हैं तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द हिटीरोट्रॉपिक बैक्टीरिया दे आर पैथोजेंस ऑल्सो तो ये कुछ वायरल डिजीज़ के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं दैट इज कॉलरा टाइफाइड टेटनस एक्सेट्रा नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो दे रिप्रोड्यूस मेनली बाय द प्रोसेस ऑफ फिशन फिजन इनमें मेनली बाइनरी फिजन होता है जिसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेल जो है उसका सेल मटेरियल डबल होता है और वो स्प्लिट करता है दो सेल्स में मींस वन सेल गेट्स डिवाइड इनटू टू सेल सेल्स एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन उसके अलावा दे कैन रिप्रोड्यूस बाई मीन ऑल्सो मीन्स द वन बैक्टीरिया ट्रांसफर इट्स डी टू द अदर बैक्टीरिया द नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा तो माइको प्लाज्मा आपको याद रखना है माइक्रो प्लाज्मा दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं माइको प्लाज्मा एंड माइक्रोप्लाज्मा ऑल्सो दे लैक सेल वॉल एंड उसके अलावा दे आर पैथोजन टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स तो द नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटिस्टा तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं तो इसमें आते हैं सिंगल सेल यूकेरस और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो इसमें होता है दे कैन बी ऑटोटॉपिक और हिटीरोटॉपिक तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं तो वो आते हैं सिंगल सेल यूकेरटिक ऑर्गेनिजम्स और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो तो होता है इसमें कैसा होता है इट कैन बी ऑटोटॉपिक और हिटीरोटॉपिक उसके अलावा मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा दे आर प्राइमरली एक्वाटिक मोस्टली वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और उसमें क्या होता है और सीलिया दैट हेल्प इन देअर मूवमेंट इसमें जो फर्स्ट डिवीजन आता है वो क्या है इट इज़ क्राइसोफाइट्स तो क्राइसोफाइट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं तो इसमें आते हैं डाइटम्स uh, और गोल्डन एल्गी जिसको हम डेसमीर्स भी बोलते हैं तो so, डाइटम्स क्या होते हैं डायाटम्स आर द फोटोसिथेटिक एलगी और जो मेन बात आपको इसमें याद रखनी है वो क्या है कि इनकी वॉल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है सिलिका प्रेजेंट होता है तो जिसकी वजह से इनकी जो वॉल्स होती हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल होती हैं और क्या होता है कि ये जो सेल वॉल इनकी डिपॉजिट होती जाती है इनके हैबिटेट में हैबिटेट में जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ भी ये होते हैं जहाँ भी ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे डिपॉजिशन होती जाती है सेल वॉल की तो एंड इसकी अक्यूमलेशन से बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इसको हम डायटोमिशियस अर्थ भी बोलते हैं नेक्स्ट इज डायनोफ्लैजलेट्स तो डायनोफ्लैजलेट्स में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक एंड दे आर येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स तो डायनोफ्लैजलेट्स में क्या होता है उनमें कोई भी कलरफुल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उनकी अपेयरेंस उसी रिस्पेक्टिव कलर की आती है एंड मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लेजिला इनमें दो फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं फॉर दर लोकोमोशन एंड इसमें वेरी ऑफन जो रेड डाइनो फ्लेजलेट होते हैं जिसमें एग्जाम्पल है गॉनिल्क्स की तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये आपको याद रखना है इसकी वजह से क्या होता है सी का कलर हमें क्या दिखता है रेड तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्ड इन योर एग्जामिनेशन कि किसकी वजह से जो सी का कलर होता है वो हमें रेड दिखता है तो देट इज़ बिकॉज ऑफ रेड डाइनो और उसमें भी एग्जाम्पल किसकी है की उसके अलावा डायनोफ्लैज होते हैं ये कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं दैट मे इवन किल अदर मरीन एनिमल्स ओके जैसे कि फिशेस वगैरह को ये किल भी कर सकते हैं तो द नेक्स्ट इज यूगन यूग्नोलाइट्स तो में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स और इनमें क्या होता है सेल वॉल की जगह पे इनमें प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पैलिकल एंड ऑल्दो और इनमें भी दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं एंड ऑल दो दे आर फोटो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लाइट वेयर एज सनलाइट की एबसेंस में दे बिहेव लाइक हिटीरोटॉपिक्स मीन्स जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो ये फ़ोटो सिंथेटिकली बिहेव करते हैं बट जब सनलाइट एब्सेंट होती है देन दे बिहेव लाइक हिटीरोटॉप्स और फिर ये क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं और इसमें एग्जाम्पल है यूगलिना की नेक्स्ट इज स्लाइम स्लाइमोल्ड्स तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं दे आर द सेप्रोफिटिक प्रोटीस मीनस दे फैट ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन डेड डिकिंग प्लांट मटीरियल तो उसके अलावा आपको इसमें क्या याद रखना है कि सुइटेबल कंडीशन में क्या होता है ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं दे फॉर्म एन एग्रीगेशन जिसको कि प्लाज्मोडियम बोलते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है ये स्पोर फॉर्म कर लेते हैं मतलब स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है इनमें जिसकी वजह से uh, क्या होता है दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयरस इन द एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन ओके तो द नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स तो प्रोटोजोन्स क्या होते हैं दे आर दिटीडोटॉप्स एंड दे लिवर्स प्रिडियटर्स और पैरसाइट्स तो प्रिडेटर्स क्या होते हैं जो दूसरे uh, किसी ऑर्गेनिजम पे uh, प्रे uh, पे फीड करते हैं और पैरसाइट होते हैं जो किसी ऑर्गेनिजम पे रहते हैं तो इसमें फोर मेजर ग्रुप्स आते हैं प्रोटोजोन्स के फर्स्ट इज अमीवाइट प्रोटोजोन तो इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि रहते हैं फ्रेश वाटर में सी वाटर में या मॉइस सॉइल में और इनमें क्या होता है एक स्पेशल फीचर प्रेजेंट होता है जिसको हम सीरोपोडिया बोलते हैं जिसकी वजह से ये मूव करते हैं और अपने प्रे को कैप्चर करते हैं और इसमें एग्जाम्पल है अमीवा की और उसके अलावा जो इनकी मरीन फॉर्म में जो प्रेजेंट होता है उनकी उनमें क्या होता है उनके जो शेल्स होते हैं उनमें सिलिका होता है उसका एग्जाम्पल है एंटमीवा नेक्स्ट इज फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन्स तो फ्लैजुलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या होता है द मेम्बर ऑफ दिस ग्रुप्स आर इधर फ्री लिविंग और दे आर पैरासिटिक और उनमें क्या होता है फ्लैजुलता फॉर देर मूवमेंट और इसमें एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा की तो ट्रिपेनोसोमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ये एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस और ये पूछा भी गया है कुछ एग्जाम्स में कि स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज बाय विच ऑर्गेनिज्म तो इट इज़ कॉज बाय ट्रिपेनोसोमा और ये क्या है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स सीलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या होता है ये भी एकवेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें क्या होता है सीलिया प्रेजेंट होता है फॉर देर मूवमेंट और उसके अलावा दे हैव अ कैविटी जिसको कि गलट बोलते हैं दैट ओपन टू द आउट साइड ऑफ द सेल सरफेस तो ये क्या करती है ये कैविटी uh, की वजह से ये फूड इनटेक भी करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल है पैरामीशियम तो नेक्स्ट इज फोरजोन्स तो so, स्पोरोजोन्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं तो दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल और इसमें एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम की प्लाज्मोडियम क्या है इट इज़ अ मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया इज कॉज बाय इट इज़ कॉज बाय प्लाज्मोडियम विच इज़ अ मलेरियल पैरासाइट तो द नेक्स्ट इज़ किंगडम फिनजाई तो अब किंगडम फिंजाई में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं किंगडम फिनजाई में आते हैं हिट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स तो मोस्ट ऑफ द फिनजाई आर सेप्रोटॉपिक मतलब उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सेप्रोटॉपिक होता है मीन्स दे फीड ऑन द डेड एंड डिकंग मैटर उसके अलावा uh, कुछ ऑर्गेनिज्म uh, कुछ फंजाई uh, का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासिटिक भी होता है मींस दे डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड उसके अलावा जो इनके सेल वॉल होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फंजाई केस में जो सेल वॉल होता है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड काइटिन क्या है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर एंड ऑल्सो वेरियस फंजाई आर द सोर्सेज ऑफ वेरियस एंटीबायोटिक्स जैसे कि पैनीसीियम पैनिसलियम इज ए एंटीबायोटिक विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फंगस तो हमारी जो फंगस uh, होते हैं दे आर द सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक्स आल्सो उसके अलावा सम ऑफ द फंजाई आर एडिबल लाइक जो मशरूम हम खाते हैं दैट इज़ ऑल्सो फंगस तो द नेक्स्ट इज किंगडम प्लाटी तो किंगडम प्लाटी इंक्लूड ऑल द मल्टी सेलर यूक्रियाड्स विथ सेल वॉल मेनली मेडअप ऑफ सेलोज तो आपको ये बात याद रखनी है कि सेल वॉल जो होता है वो इसमें प्लांट्स के केस में वो बना होता है सेलुलों से तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस मेन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्लांट सेल के केस में सेल वॉल प्रेजेंट होता है वेर एज एनिमल सेल्स में देर इज़ नो सेल वॉल एंड दे आर ऑटोट्रॉप ये भी मैंने आपको बता दिया एंड बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल एंड दे आर ऑटोट्रॉप बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथिसिस उसके अलावा प्लांट्स में भी कुछ एक्सेप्शन हैं जैसे कि कुछ इंसेक्टिवरिस्ट प्लांट्स होते हैं तो वो क्या कर तो वो क्या करते हैं इंसेक्टिवरस्ट प्लांट्स वो अपने अपने अंदर क्या कर लेते हैं इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं तो इसलिए उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फिर क्या हो गया हिटीरोटॉप बिकॉज वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड कर रहे हैं फॉर द फूड एंड उसके अलावा किंगडम प्लांटे इंक्लूड एल्गा ब्रायोफाइट्स टेडिड्रोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स एंड एंडस्पर्म्स इसमें आपको याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं बिकॉज दीज प्लांट्स लिव इन सॉइल बट दे नीड वाटर फॉर देक्चुअली प्रोडक्शन तो दैट इज़ वाई इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम